देखिए भाई, हिंदी सिनेमा की दो मोस्ट अवेटेड फिल्म शाहरुख खान की जवान और सलमान खान की टाइगर 3 से काफी अच्छी अच्छी अपडेट आ गई है, जो सुन के आपको भी मजा आ जाएगा। सो इसलिए जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। जहां तो पहले आप बता दो, जल्दी जवान के रेड चिली कंपनी वाले विजय सेतुपति का भी एक अच्छा सा विलेन वाला लुक को रिवील करने वाले हैं पोस्टर के साथ। और इसके बाद जवान के पहला सॉन्ग से भी अपडेट आ गई है। ऐसा बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर, शाहरुख खान अपना पहला सॉन्ग 26 या 27 जुलाई को रिलीज करने वाले हैं। अगर भाई सच में उस दिन जवान का सॉन्ग आ रहा है तो शायद आज या कल ही रेड चिली कंपनी भी अनाउंस कर देगा उस गाने को एक प्रोमो या फिर पोस्टर भेज के। तो देखते हैं इस वाले सॉन्ग में किसका वॉयस होता है, शायद अरिजीत सिंह का ही होगा। अब चलिए भाई, जवान की बात सलमान खान की टाइगर 3 फिल्म पर भी आ जाते हैं। देखिए आज की सबसे बड़ी खबर आ गई है सलमान खान की टाइगर 3 से ही। एक्चुअली में जल्दी इस मूवी का एक छोटा सा टीजर हमें देखने को मिलने वाला है अगले महीने 15 अगस्त को ही। और इसके बाद एक और टीजर आएगा टाइगर 3 से। और कमाल की बात यह है, टाइगर 3 का बड़ा वाला टीजर अटैच होगा शाहरुख खान की जवान फिल्म से, यानी 7 सितंबर को ही टाइगर 3 का दूसरा टीजर भी हमें देखने को मिल जाएगा। फिर शायद सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर के बिगिनिंग में टाइगर 3 का सलमान खान ट्रेलर भी रिलीज कर देंगे जनता में। वैसे तो भाई अभी डायरेक्टर मनीष शर्मा टाइगर 3 का शूटिंग में लगे हुए, जो शायद कुछ दिन में वो फिल्म का पूरा शूटिंग भी खत्म कर सकते हैं। और इसी फिल्म में मार्वल का एक्शन डायरेक्टर को कास्ट किया गया फिल्म का एक्शन सीन को कोरियोग्राफ करने के लिए। यानी कि भाई ये तबक्का है इस स्पाई यूनिवर्स का सलमान खान की टाइगर 3 सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी। और जबकि इसका दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा है, उसका तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 570 करोड़ हुआ था साल 2017 में ही। इसका मतलब इस बार का टाइगर 3 आराम से 1000 करोड़ पार कर सकता है, क्योंकि इसका फ्रेंचाइज में दम है। लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं टाइगर को इस स्पाई यूनिवर्स में। बाकी देखते हैं 15 अगस्त को किस प्रकार का टीजर देखने को मिलता है हमें इस फिल्म से। और हाँ, इसके बाद ही टाइगर वर्सेस पठान भी चालू होने वाली है जनवरी के महीना में, और वह फिल्म इस स्पाई यूनिवर्स की सबसे ज्यादा महंगी फिल्म होगी, क्योंकि उसको 400 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा, जिसको बनाएंगे सिद्धार्थ आनंद, जो सच में तबाही लेवल की फिल्म है। वैसे भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।